सबको जय श्री राम और जय श्री महाकाल। जो अपना फर्स्ट ब्लॉग था वो वहीं का मैडम 20,000 का, 20,000 का कर दो। पहले वाले बंदे है नहीं, मैं मजा और अच्छा आता। पापा की परी है क्या? पापा की परी है ये? भाई को ठंड लग रही है, ठंड लग रही है ज्यादा। थैंक्स, लव यू फॉरएवर। आज आरटीओ नहीं मिलेगी अपने को रोड पे? क्यों क्यों छुट्टी पे होंगे सब? नहीं, आज अपने हेलमेट लगा के रखे हैं। हमारे में तेरे बाप को मत सिखा, चल। जिस दिन हेलमेट ही लगाओ ना उस दिन बराबर मिलते हैं। ये कौन है, ये कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? अपन निश्चिंत है, अपन मस्त कहीं पे भी रुक सकते हैं, घूम सकते हैं। हाँ। अब पूरी अपने साथ बंदी नहीं है कोई। हाँ। बंदी होती है ना तो दिक्कत होती है। कभी आप हट भाई, ये स्पॉट कैसा है? मस्त है, थोड़ा उजड़ा उजड़ा है। नहीं लेकिन मस्त लग रहा है, थोड़ा सा अभी पत्ते वत्ते नहीं आए हैं। तो यार अब गर्मी का माहौल चालू हो रहा है। ये किसी ने मुँहता क्या? क्या किसी ने मुँहता क्या? ऐसे लग रहा मुझे, है ना, पानी गिरा अभी। तो किसका नाम गुजारा था वो? हा? वो मोहब्बत थी। तुम लोग को हटा भी दिया? हाँ अभी क्या बोलते हैं, जनवरी में हटाया। जनवरी मुल्तानी मेला लगा था ना, जब मोहब्बत थी, मोहब्बत गई तो नाम भी गया। बंदे ऐसे है ना कि बंदी अगर अपने लॉयल है ना तो एक जगह बोले अपन 10 जगह लिखवाएंगे। बट अपने लॉयल है ही नहीं, फिर क्या मतलब है? वादे तो कोई मतलब नहीं। अपन वादे भी किए, अपन ने झूठे नहीं किए। अगर क्या बोलते हैं, उसने अगर अपने वादे किए और अगर उसकी कीमत नहीं है तो फिर अपने वादे की अपने कीमत नहीं है तो उसके वादे की अपने पास कहाँ से कीमत रहेगी यार? सही बात है। अर्बन वाला बंदा जा रहा, अर्बन वाला साला अपनी किस्मत में नहीं है क्या सुपर बाइक? यार किस्मत की जोड़ दो, गाड़ी मिल गई तो अपने को बहुत है अपने। हाँ अपने लिए तो अपनी रानी बहुत है बस। तो आर्बन 5 का मेंटेन करते करते है ना कि टाके ढीले हो जाते हैं। नहीं आर्बन का कर सकते हैं मेंटेन, क्यों कर सकते हैं पता है? क्योंकि आर्बन का माइलेज कितना निकल रहा है? 15-20। नहीं ना 15-20 का माइलेज नहीं है, कम से कम 35 का माइलेज है। ठीक है बस, मेरे को तो नहीं लगता 35-35। कम से कम 35 का माइलेज होता है आर्बन का। ठीक है अपने यहाँ 35 का। और अपनी पल्सर का माइलेज कितना है? 50-55। कौन बोलता भैया, इसका माइलेज है ना 28 का है। अभी धीरे चल रहा है ना इसीलिए, हवे में चल रहे ना तो 28 से 25 पे माइलेज निकालती है। अब बताओ आर्बन का मेंटेनेंस कर सकते कि नहीं? आराम से हो जाएगा। फिर के नीचे गाड़ी होना बस। हाँ समझ गए, और KTM डक भी रहे ना तो भी हो जाएगा। अभी बाइक तो मेरे को वो प्यारी लगी यार, अभी एक्सट्रीम आई ना। हाँ। 125 बार बहुत प्यारी, अच्छा करती है सामने। हाँ। बैलेंस भी अच्छा है उसका, बैलेंस बहुत अच्छा बना रही हो। यहाँ सब निकल चुके हैं फोटो क्लिक करके, जैसा आप देख रहे हो व्यू बहुत प्यारा लग रहा है यहाँ का। क्या देखती रहे बाबा, अभी ये RPM के ऊपर गया ना तो गाड़ी बंद हो जाएगी। 6000 RPM के ऊपर गया ना तो गाड़ी बंद हो जाएगी, पिकअप छोड़ देगी वो, फिर वो बंद ही हो जाएगी। फिर उसको चाबी बंद करके चालू करो, इसी में रिसेट होगा फिर चालू होगी गाड़ी। और ये प्रॉब्लम मालूम है, शोरूम में बताया तो क्या बोलते हैं पेट्रोल ज़्यादा रखता बोले गाड़ी। और गाड़ी में मालूम है आधा लीटर पेट्रोल भी रहता है ना तब भी गाड़ी सी बंद होती है, उनको भरोसा ही नहीं होता। भाई इसको तो अटैक करूँगा मैं, इसको तो अटैक करूँगा मैं। झटके मारने लग गई बाइक, झटके मारने लग गई बाइक ने झटका मारना चालू कर दिया। एक कार वाले को किया कि नहीं ओवरटेक? नहीं रानी कम थोड़ी ना किसी से। DBL बैतूल सारनी, सारनी
टोल कटवा दूं क्या? हाँ कटवा दो, पैसे नहीं है हमारे पास, पैसे नहीं है फालतू। अरे पता चला टोल कटवाने जा रहे हैं, इधर में 45 रुपये ले रहे हो उसका डबल, इधर ले ले रहे 90 रुपये। फिर तो बात वो हो जाएगी आमदनी अठनी खर्चा रुपया। TVS फाइनेंस है तो अरे यार ये अलग तूफान रहता है यार। अपना लोकल का रहता तो दाड़ से डाल देते कहीं ना कहीं से, वो वहाँ से घूमना पड़ेगा। गाइस बगदोना तो आ चुके हैं, हमको 100 रुपये मिल गया है, बट यूटर्न लेने के लिए जगह वो उधर से पड़ी है अपने को करीबन 1.5 किलोमीटर। बगदोना के बाहर से यूटर्न लेना है भाई, तो गाइस यहाँ से यूटर्न लेके फिर अब निकल रहे हैं वापस। तो गाइस हम आ चुके हैं बगडोना, अब यहाँ पे गाड़ी थोड़ी अपडेट करवाते हैं।